हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यद्वंशी ब्लॉग 0304 चैनल पर। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं नाश्ते की, कटलेट कहें, नाश्ता कहें, या बहुत अच्छी रेसिपी है। चाय के साथ बहुत यम्मी लगती है और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये एक तरीके के साग से बनाई हुई है। जो हरी पत्ते वाली सब्जी होती है ना, उसी से बनाई है, और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, ये वाली या चैनल की कोई और रेसिपी मेरे ही चैनल की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आ जाइए मेरी किचन में, आपको बताते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाई है, क्या बनाया है। तो वेलकम टू माय किचन यद्वंशी ब्लॉग 0304। तो ये मेरे पास लाल पत्ते वाली सब्जी है, जिसको यहाँ पे लाल चौराई बोलते हैं। तो ये बिल्कुल रेड कलर की, देखिए इसी कलर की आती है, और इसमें की हरी भी आती है, तो इस तरीके से है। तो इसको एक बड़े से पौधे टाइप में आती है, तो इसको तोड़ के साफ़ करना पड़ता है अच्छी तरीके से। और ये नरम नरम पत्तियाँ निकाल ली है डंडी सहित, और इसको धो के साफ़ करके रखा हुआ है। और ये मेरे पास है चने की दाल, भिगो के रखी हुई थी, सोख हो चुकी, फूल गई है अच्छी तरीके से। तो इसको पहले कट करेंगे, क्योंकि इसको बारीक बारीक कट करना है। तो ये देखिए बारीक बारीक कट कर लिया है बिल्कुल, और अच्छी तरीके से डंडियाँ बिल्कुल नरम थी तो उसी में मिक्स हो गई हैं। मोटी डंडियाँ साफ़ करते समय ही निकाल दी जाती हैं। और अब जो चने की दाल भिगोई थी उसको मिक्सर में डाल के पीसेंगे, लेकिन अभी दाल के साथ हमें बहुत कुछ डाल के पीसना है, तो सिर्फ दाल नहीं पीसनी है। तो वीडियो स्किप ना करें, वरना मेन सामान आपसे मिस हो जाएगा, तो फिर रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले जितनी दाल है उतनी दाल से पानी में से निकाल के मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, छोटी छोटी हैं तो इसलिए, बड़ी हो तो आप 3 से 4 डाल सकते हैं। ये 3 हरी मिर्च, आप चाहें तो रेड चिली डाल सकते हैं। और ये 1/2 चम्मच काली मिर्च साबुत, और 1 भर के चम्मच साबुत जीरा, कच्चा जीरा, भुना हुआ नहीं है। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, तो जिसमें सोख करके रखा था ना, क्योंकि दाल भिगोने से पहले अच्छी तरीके से धो ली थी 2-3 पानी, तो इसलिए वही पानी डाल देंगे। और ये डालेंगे एक अचार, जो घर में सबके अचार रहता है ना, तो उस अचार में से 1/2 चम्मच अचार का जो मसाला होता है ना, जो बैठ जाता है साइडों में या नीचे, तो वो अचार का मसाला डालेंगे इसमें। उससे बहुत बहुत टेस्टी स्वाद आता है, बहुत चटपटा सा होता है ये नाश्ता, और बिल्कुल इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है। तो अगर आपके पास आम के अचार का मसाला है या आम का अचार है, तो उसमें 1 पीस ज़रूर डाल दें। और ये देखिए इस तरीके से पीस लिया है, और थोड़ा सा दरदरा रखा है, बारीक बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। थोड़ा सा दरदरा अच्छा लगता है, क्योंकि क्रंची सा लगेगा खाने के टाइम पे, तो इसलिए क्रंची सा बनाने के लिए दरदरा पीसें। और अब सारे पेस्ट को जो पीसा था वो साग में डाल देंगे, जो लाल पत्ते वाली सब्जी थी उसमें। और अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई मसाले, तो ड्राई मसाले में बहुत कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, सिर्फ हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बस 3 पाउडर जाएंगे इसमें, बहुत कुछ नहीं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आपको नमक पसंद है उतना नमक डालें। और अब देखते जाइए इसमें क्या क्या पड़ना है, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी रेसिपी। और अब इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे, आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर लें, मेरी तो आदत हो गई, फटाफट हाथ से जल्दी होता है, तो हाथ से ही मिक्स कर लेंगे इसको। और बाइंडिंग के लिए चने की दाल तो है ही है टेस्ट के लिए, लेकिन बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो ऐसे ही डाला है, अंदाज तो है ही है, लेकिन आप अगर अंदाज नहीं है तो मात्रा 2 चम्मच है, 1.5 से 2 चम्मच जितनी आपकी क्वांटिटी है साग की, उतनी आप डाल, उसके हिसाब से आप बाइंडिंग करें। तो मेरी देख लें आप जितनी है उसमें 2 चम्मच डाला है, तो उस हिसाब से आपकी जितनी हो साग उतना डालें। और अब ये डालेंगे थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच, ये चावल का आटा है, तो इससे क्या होगा ना, बिल्कुल क्रिस्प होगा, बहुत क्रिस्प होगा। दाल भी दरदरी पीसी थी और चावल का आटा भी यूज़ करेंगे, तो बहुत क्रिस्प होगा। और अब इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और अभी भी कुछ कुछ जाएगा इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। और अब डालेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे सूजी,
तो 1.5 चम्मच सूजी है, या मैक्सिमम 2 चम्मच पकड़ लीजिए, 2 चम्मच सूजी है इसमें, और सूजी से भी बहुत क्रंचीपन आएगा। तो दाल हो गया, दरदरा पिसा था, चावल का आटा हो गया और सूजी हो गई, तो बहुत ज़बरदस्त ये नाश्ता बनने वाला है। और हम मिक्स करके इसका देंगे शेप, तो शेप चौकोर नगेट का शेप देंगे और बहुत यमी बनेगा। तो चौकोर सा और बहुत मोटा नहीं रखेंगे, थिक आधे इंच से कम ही रखेंगे इसकी थिकनेस, ताकि अच्छी तरीके से जल्दी से ये पक जाए। और तेल देखिए, 2 चम्मच तेल डाला है, तो रिफाइंड ऑयल है और रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। आप इसको चाहें तो जिस भी तेल में आप खाते हैं उस तेल में आप इसको बना सकते हैं, और आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे मेरा शैलो फ्राई हो रहा है, शैलो फ्राई किया 2 चम्मच में, बिल्कुल एक हेल्दी सा नाश्ता बन रहा है। तो एक साइड से जब हो जाएगा तो दूसरे साइड से पलट देंगे और कलर गोल्डन सुनहरा सा आना चाहिए। तो देखिए अभी कलर चेंज हो गया है, गोल्डन सा आ गया है। तो दूसरे साइड से टर्न कर रहे हैं सारे पीस, एक बार में जितने आ गए उतने डाल दिए इसमें, और दो शिफ्ट में बन जाएंगे। और अभी दूसरे साइड से मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा, तो बस इसमें ज़्यादा पकने में टाइम भी नहीं लगता है, ऐसा इतना कुछ कच्चा नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगे पकने में। तो अब इनको निकाल लेंगे और अब फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच तेल फिर से डालेंगे, और जितने पीसेस बचे थे अभी वो सारे शैलो फ्राई करने हैं। तो कढ़ाई में डालना है फिर से तेल, तो ये 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है, और अब जितने पीस थे वो सारे अब इसमें एक एक करके डाल देंगे। और जैसे पहले वाले फ्राई किए थे वैसे ही इसको भी करने हैं, उलट पुलट करके, कलर बिल्कुल गोल्डन आना चाहिए। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी, हाई नहीं रहेगी, वरना हाई रहेगी तो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे ऊपर से जल भी जाएंगे। तो लो टू मीडियम पे अच्छे तरीके से ऊपर से सुनहरे और क्रिस्पी होंगे और अंदर से भी पक जाएंगे, तो थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे अंदर, बहुत सॉफ्ट नहीं रहेंगे, बस हल्के से सॉफ्ट रहेंगे, वैसे क्रंची ही रहेंगे पूरा हर तरफ से। और इस तरीके से देखिए एक साइड से हो गए हैं और दूसरे साइड से भी टर्न कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे दोनों शिफ्ट में हो गए। तो जितने बनने थे इतने ही बने हैं एक बार में, और अब प्लेटिंग कर दी है। तो लाल चटनी के साथ या सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ, आपको जैसे भी पसंद है आप इसको खा सकते हैं, और हर चीज़ के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर बनाइएगा ये लाल पत्ते वाली सब्ज़ी की ये रेसिपी, आई होप आपके घर में सभी को पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको खिलाइएगा। और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगा है, और बहुत कम तेल में मसाले भी बहुत कम पड़े हैं, और जो भी हैं कोई इतने गर्म मसाले नहीं पड़े हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हों। तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, हर उम्र के लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, गारंटी मेरी कोई नहीं कहेगा कि अच्छी नहीं बनी है, सब कहेंगे बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।